हेलो बच्चों, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन मेडिकल के लिए, आईआईटी एग्जाम के लिए, कंपटीशन एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे काम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इन द सेंस मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल पे डिपेंड होती है, क्या है जिसमें ये होता है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। राइट ट्रायंगल्स का जो पार्ट है वो एक 90 डिग्री होता है, एक थीटा है और एक 90 डिग्री माइनस थीटा। वी नो दैट वेरी वेल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स 180 डिग्री। जैसे कि आपके सामने 90 डिग्री है, एक थीटा है, देन एक क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड होती है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है बेटा, ये है एसी और बेस क्या है हमारे पास बीसी, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास एबी। ट्रिग्नोमेट्री के सिक्स पार्ट होते हैं, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स होते हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कोट। ये क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, एच मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि हर हर बोले, और सोना चांदी तोले मतलब सोना मतलब एस, एस मतलब साइन, चांदी मतलब सी, टी मतलब तोले। ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज से हम याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पी मतलब पाकिस्तान, बी मतलब भूखा, पी मतलब प्यासा, एच मतलब हिंदुस्तान, इस एच का मतलब हरा, इस बी का मतलब भरा। और किस एक तरीके से याद कर सकते हैं, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, इस तरीके से याद कर सकते हैं। पी का मतलब पीले, बेटा बी पीले, हरी हरी बोतल। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, आप चेक करिए जरा। साइन जो होता है वो होता है पी बाय में एच, पी बाय एच, और जो कोसिकेंट होता है वो होता है एच बाय पी, वो मैंने यहां लिखा है। अगर साइन पी बाय एच होगा तो कोसिकेंट क्या होगा, एच बाय पी होगा। कॉस क्या है, बी बाय एच, कॉस है बी बाय एच, बी बाय एच, और सीकेंट क्या है, एच बाय बी। ये आपके सामने टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, वो बेटा ये रहा हमारा, और जो कोण है वो क्या रहा, बेस बाय परपेंडिकुलर, वो हमारे पास ये रहा। यानी कि हम इसको क्या समझ सकते हैं, इस तरीके से साइन क्या होगा, साइन क्या होता है, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि आपके सामने है साइन को क्या लिखा गया, वन बाय कोसेकेंट, और कोसेकेंट क्या रहा, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, वन बाय साइन। उसके बाद कोस क्या होगा, वन बाय सीकेंट, और सीकेंट क्या होगा, वन बाय सीकेंट क्या होगा, वन बाय कोस। उसके बाद टेंजेंट किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट किसका रेसिप्रोकल है, वन बाय कोट, और कोट क्या लिखा जाएगा, वन बाय टेंजेंट। ये बात समझ आ गई सभी को। अब हम आगे टॉपिक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बेटा, फॉर्मूला नंबर 15 है आपके पास। हमें ट्रिग्नोमेट्री को
टेक्निकल कोई भी चीज आप करें कामयाब होने के लिए, कोई भी चीज, चाहे आपका कोई भी सपना हो, किसी भी तरह का सपना हो, पर उसको आप टेक्निकल तरीके से करेंगे ना, किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथ हो, चाहे कुछ मर्जी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पर उसको आप टेक्निकल तरीके से पढ़िए, रट्टा लगा के आप कोई चीज नहीं कवर कर सकते। जैसे कि आपके पास साइंस स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल 1 है, अब 10th क्लास के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10th क्लास से लेके हम अब तक क्या रट्टा लगाते हैं, मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। साइंस स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल 1 होता है, स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, मैं फॉर्मूला नंबर 15 पे काम कर रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 15 है बेटा हमारे पास साइंस स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल 1। आपको रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगवा के कोई चीज आपको करनी नहीं है, ना ही मैं करवाता हूं, करनी भी नहीं है आपको। आपके सामने ये चीज है बेटा मेरे, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर एच हाइपोटेनियस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये है हमारे पास। अगर आप बोथ साइड हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड हाइपोटेनियस स्क्वायर, किसमें, इसके अंदर, तो आपके पास ये चीज कैंसिल हो जाएगी और क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। और इस चीज को आप क्या लिख देंगे, b by h whole square, इसको क्या लिख देंगे, b by h whole square। अब आप चेक करें, आप b by h को क्या लिख सकते हैं, b by h क्या होगा, cos। तो इस जगह पे आप क्या लिख देंगे, cos theta और whole square पड़ा है। इस जगह पे क्या लिख देंगे मेरा बेटा, P by H क्या नजर आ रहा है, sin theta, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, sin theta, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा cos square plus sin square। अब तक हम जितने भी आपने किए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, इस चीज को क्या करते हैं, sin square theta plus cos square theta को कहना तो नहीं चाहिए, पर टीचर को भी टेक्निकल तरीके से बेस बनाने के लिए सभी स्कूल्स को, सभी कॉलेजेस को, कॉम्पिटिशंस के अकेडमीज हैं, उनको सबको क्या करना चाहिए, बच्चों को टेक्निकल तरीके से पढ़ाना चाहिए। कुछ अकेडमीज को स्कूल बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सबको बेसिक तरीके बच्चों का फ्यूचर बनाना बहुत जरूरी है, बेसिक तरीके से बच्चों को कराना चाहिए ताकि उनको कोई चीज टफ की बजाय बहुत ईजी लगे। आपके सामने है फॉर्मूला, बन चुका है साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। आपने स्टार्ट कहां से किया, इसको स्टार्ट हम करेंगे बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड क्या कर देंगे, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एच स्क्वायर कट जाएगा, बी एच स्क्वायर और एच स्क्वायर बी बाय एच स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बी बाय एच स्क्वायर बन जाएगा, और बी बाय एच को हम क्या लिख सकते हैं, आपके सामने है, बी बाय एच को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहां पर कॉस थीटा लिखा जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बाय एच लिखेंगे, पी बाय एच क्या है हमारे पास, साइन थीटा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। आपके सामने है फॉर्मूला नंबर 15 बन चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आगे चलेंगे, आगे क्या चलेंगे देखिए, मतलब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, इससे हम बाकी दो फॉर्मूले फॉर्मूला नंबर 16 एंड 17 तो बढ़ा ही सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 16 कैसे बढ़ेगा, कि अगर आप फॉर्मूला नंबर 17 कैसे बढ़ेगा, सॉरी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर उठाकर उधर ले जाओ, ये वाला प्लस कॉस स्क्वायर उधर ले जाओ, फॉर्मूला नंबर 17 बन जाएगा। फॉर्मूला नंबर 16 कैसे बढ़ेगा, आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर इधर ही पड़ा रहने दोगे, ये प्लस का साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 18 की। अब फॉर्मूला नंबर 18 कैसे बनता है? फॉर्मूला नंबर 18 है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल सीकेंट स्क्वायर। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल सीकेंट स्क्वायर, ये बनाना है हमने। तो बेटा वही काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब की बार फिर दोबारा हम कहां जाएंगे? हम वापस यहीं आ जाएंगे। पहले हमने पिछली बार किससे डिवाइड किया था? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड किया था, और अब की बार हम क्या कर देंगे? बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। जब हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस स्क्वायर, ये बेटा मेरे कैंसिल हो जाएगा, सेम ये क्या हो जाएगा, दोनों होल स्क्वायर है, ये लिखा जाएगा। अब ये देखिए आप, हाइपोटेन्यूस बाय बेस हो क्या है, चेक करो जरा। हाइपोटेन्यूस बाय बेस क्या है? फॉर्मूला नंबर 7 में हाइपोटेन्यूस बाय बेस क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूस बाय बेस सीकेंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। तो आपके सामने बेटा ये नजर आ रहा है, सीकेंट थीटा का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जिससे कि आपका ये फॉर्मूला बन चुका है। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, हम इन दो फॉर्मूलास को बना सकते हैं। इससे दो फॉर्मूले कैसे बनेंगे बेटा? इससे ये तो बन चुका है हमारे पास, आपके सामने ही है। अब इससे क्या बनेगा? फॉर्मूला नंबर क्या बन सकता है 18 से? 19 बन जाएगा। 19 कैसे बनेगा कि अगर आप इस 1 को इधर ही रहने दें और टेंजेंट स्क्वायर को उठाकर उधर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर को उठाकर अगर आप उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 इज इक्वल सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। और अगर आप क्या करेंगे, 1 को उठाकर उधर लेके जाएंगे, 1 को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो सीकेंट स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस का 1 को जाके क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। तो इससे हम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से हमने फॉर्मूला नंबर 15 16 17 18 19 20 ये बना लिया। मतलब हमें सिर्फ एक ही चीज को आप ध्यान रखें, लेक्चर की तरफ आगे बढ़ना, उसको बताने से पहले आप किसी भी चीज को ये सोचते हैं कि कोई चीज टफ है, टफ कुछ नहीं है, एक अच्छी गाइडलाइन होनी चाहिए, अच्छा टीचर होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, हर एक एंगल से समझाए। अगर आप जब तक अपनी लाइफ में क्रैमिंग रट्टाफिकेशन नहीं छोड़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट वे। नेक्स्ट वे में क्या है बेटा? नेक्स्ट वे में है हमारे पास, अब हम बनाएंगे फॉर्मूला नंबर 21। फॉर्मूला नंबर 21 क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल कोसेकेंट स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला कैसे बन पाएगा? पहले हमने इस फॉर्मूले को बनाने के लिए क्या किया? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन गया, इससे ये दोनों बन गए। फिर हमने ये फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया? बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूले कौन से बन गए? एक ये बन गया और इसकी हेल्प से ये बन गया। पहले हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर बेस स्क्वायर से डिवाइड किया, अब की बार हम पाइथागोरस थ्योरम में इससे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर बोथ ऑफ बेस बाय परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, ये कैंसिल। अब आपके सामने है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर फॉर्मूला नंबर 6, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर क्या आएगा मेरा बेटा? कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा।
बेस बाय परपेंडिकुलर क्या आएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या आएगा, कॉट थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा देख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर, और ये क्या है कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, आपके सामने फॉर्मूला नंबर 21 नजर आ रहा है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, ये दो फॉर्मूले तो बाकी बना ही सकते हो, कैसे बना सकते हैं वही बात, आई होप सो सबको समझ आ गया होगा सही तरीके से, टेक्निकल तरीके से करना है, मैंने चैनल बनाया टेक्निकल तरीके से काम करवाने के लिए, रट्टाफिकेशन के लिए नहीं है, और अगर भगवान ने चाहा तो आगे कंपटीशन लेवल एसएससी सीजीएल आईआईटी लेवल काफी सारी चीजें बनाने का मन है, तो जैसे कि आपके सामने है ये फॉर्मूला बन चुका है, अभी मैंने रख किया है, इससे आप दूसरे फॉर्मूले बना सकते हो, फॉर्मूला नंबर 22 बन सकता है, अगर आप क्या करेंगे कॉट स्क्वायर इधर ही पड़ा रहने दें और प्लस वन को उठाकर उधर ले जाए, और अगर आप फॉर्मूला नंबर 23 बनाना चाहते हैं तो आप कॉट स्क्वायर इधर ही पड़ा रहने देंगे, सॉरी वन इधर ही पड़ा रहने देंगे, कॉट स्क्वायर उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इससे हमारे ये फॉर्मूले कवर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, कमेंट्स करने हैं, जो लाइक करना चाहे वो लाइक करें, जो डिसलाइक करना चाहे वो डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करना चाहे वो करें, उसके ऊपर है मेरा मोटिव, अच्छी शिक्षा देके अच्छे रास्ते को दिखा के बहुत सारे लोगों को आगे पहुंचाना है। थैंक्स। हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक जो हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाकी पिछले वाले लेक्चर में जब ये आप टॉपिक आगे करते तो पीछे वाली चीजों को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा मोटिव है कि कंपटीशन लेवल का बच्चों को बनाना है, तो वो कैसे बनेंगे, बेसिक सारी चीजें करके बेसिक किया जाए और लॉजिक से किया जाए, रट्टा ना लगाया जाए, तो मैं आगे आज लेके आया हूं, आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है तो बना बनाया है, उसको मैं साइड के अंदर सारा डिफाइन करूंगा, साइन कॉस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट कोट, ये ट्रिग्नोमेट्री आता है बेटा 10 से स्टार्ट होता है, बेसिकली तो 9 से स्टार्ट होती है चीजें, 10 से स्टार्ट होकर ये 10th लेवल की चीजें कर रहे हैं हम। अब जैसे आप क्या कर रहे हो, जो ट्रिग्नोमेट्री है साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है, 45 डिग्री की होती है, 60 और 90 की होती है, बट प्लस 1 के अंदर और आईडिया कंपटीशन में जाके चीज क्या बन जाती है, इनके बीच के जो एंगल है, फॉर एग्जांपल साइन 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री, ये चीजें भी आएंगी बाद में, तो बाद में देखेंगे, पहले हमारा बेसिक पता होना चाहिए हमारे को। जैसे कि आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है बताया मैंने आपको, साइन कॉस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट कोट, ये लिखे इस साइड में हम कॉलम में, और यहां लिखेंगे थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऊपर लिखेंगे बेटा हम सबसे पहले 0 1 2 3 4 ये लिख के फिर हम सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, पहले क्या करेंगे 0 1 2 3 4 लिखकर क्या कर देंगे सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, इतना करने के बाद उसी लाइन को, लाइन का क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, सब में रूट लगा देंगे, इसकी कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू आएगी, जैसे कि आपके सामने है साइन, ये क्या है 0/4, 0/4 अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है 0 का रूट क्या होगा 0, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आएगी 0। अब बात करेंगे बेटा इसकी 1/4,
वन का रूट क्या होता है? वन। फोर का रूट क्या होगा? टू। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन 30 डिग्री की वैल्यू, उसके जस्ट नीचे। फिर बात करेंगे हम 45 डिग्री, साइन 45। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते वक्त इसको कर देंगे कैंसल, तो उसे कैंसल हो जाएगा। वन का रूट क्या होगा? वन। और टू का रूट कंप्लीट नहीं होता, इरेशनल नंबर बनता है, तो रूट टू का रूट टू रखा जाएगा, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या देगी? 1/√2। उसके बाद हम चलेंगे इसमें, थ्री का रूट कंप्लीट होता नहीं है, फोर का रूट क्या होगा? टू हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया आपका, इसका आंसर ये आ गया, इसका मीनिंग साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगी। उसके बाद बेटा ये है, इसमें क्या होगा, इसको कैंसिल करेंगे, वन, वन का रूट क्या होता है? वन। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसा कि आपके सामने है, क्या बताया गया कि इन सब की कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आता है वो आता है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम चलते हैं आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है? साइन की रिवर्स होती है। रिवर्स, रिवर्स मतलब पीछे से स्टार्ट करना। जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू आई वो कहां से आई? इसको सॉल्व करने से आई। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा का रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब आप देखिए जरा, देखो साइन थीटा 0 है तो यहां से स्टार्ट किया बैक, 1√3/2, ये तो बीच में आ गया, 1/2 एंड 0। आप देख सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू है वो तो ये आ गई इसकी हेल्प से, और कॉस की वैल्यूज क्या हो गई? इसका रिवर्स हो गया। अब बात करते हैं बेटा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्यों होता है, ये बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, हर एक चीज लॉजिकली बताई जाएगी। टेंजेंट थीटा, अब टेंजेंट वाला लगाने के लिए, टेबल ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करोगे, यहां क्या लिख दोगे? साइन 0 बाय कॉस 0, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको थीटा की वैल्यू 0 लेनी है तो साइन 0 क्या नजर आ रहा है आपको? 0 नजर आ रहा है। कॉस 0 क्या नजर आ रहा है? 1। तो क्या निकला यहां से, टेंजेंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, यानी कि 0 बाय 1। और 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 को किसी भी आइटम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। आपके सामने ये आ गया। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू साइन को कॉस से डिवाइड करने पर आता है। जैसे कि आपके पास, आपको टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट 30 डिग्री की, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू चेक कर सकते हैं क्या होती है? 1/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, देख सकते हैं, ये आती है, ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो क्या होगा, जब ये चीज डिवाइड में पड़ी है तो ये पलट जाती है, जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3, देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम,
अगर आपको टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, साइन 45 प्लस कॉस, सॉरी डिवाइड कॉस 45, क्या साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, देख सकते हैं 1/√2, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यूज क्या नजर आ रही है मेरा बेटा, 1/√2। तो आप देख सकते हैं, चाहे इसको आप रेसिप्रोकल कर दो या ऐसे सीधा काट दो, पता है ऊपर और नीचे एक ही जैसी वैल्यू पड़ी है, तो क्या हो जाएगा इसका टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, क्या रहेगी टेंजेंट 45 डिग्री क्या रहेगा, 1। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री इन द सेंस मतलब दिस बाय दिस, टेंजेंट 60 डिग्री का मतलब साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है √3/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। इसको भी आप क्या कर सकते हो, आप पे डिपेंड है, आपको आपका बेस डाउन करने के लिए किसी स्टूडेंट्स का बेस वीक होता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, मेरा कोई टीचर से, किसी टीचर से कोई कटाक्ष नहीं है, कोई जाति कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं बताना चाहूंगा एक टीचर प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है सभी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, छोटी छोटी बातें स्कूल जो है वो छोटी छोटी बातें समझाएं, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर रहा हूं क्या किया जाएगा, पलट दिया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, √3 आ गया, जैसे कि आपके सामने है टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा, √3 आ गई। आगे चलते हैं, आगे कैसे होगा आगे देखिए, अगर आपको टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री, फॉर्मूला वही चल रहा है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बार बार एक ही चीज पे काम चल रहा है, तो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है मेरा बेटा, 1, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या नजर आ रही है आप चेक कर सकते हैं, कॉस 90 डिग्री दिस बाय दिस 1/0। किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड। अब मैं आपको लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं, मेरा एक्सपीरियंस 22 इयर्स का हो चुका है, तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है जो 9th और 10th वाले बच्चों को सेकंड थर्ड वाली चीजें बतानी होती। अब मैं आपको कुछ बच्चों को बताऊंगी कुछ को नहीं बताऊंगी, ऐसा नहीं कह सकते कि सबको बताओ ना बताओ। जैसे आप जीरो को वन से डिवाइड करते हो तो मैंने क्या बताया, जीरो। अब ये डिवाइड जीरो बाय वन जीरो क्यों हुआ, कैच, बात तो छोटी सी थी, बात छोटी सी है जीरो को वन से डिवाइड करना, कि वन को किससे मल्टीप्लाई करें कि जीरो बन जाए, किससे, जीरो से, वन को जीरो से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। बट अगर आपको एक बात है, वन को जीरो से डिवाइड करो यानी कि वन को अंदर रखेंगे और जीरो को बाहर रखेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है कि जीरो को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए, नहीं पॉसिबल है। जीरो को किससे मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए, अगर मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, जीरो को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, हो सकता है, नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम निकाल नहीं सकते, इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, इसका ये सिंबल होता है। ये छोटी छोटी बातें मैंने अपनी टीचिंग लाइफ के अंदर +2 और +1 वाले बच्चों को, 10th क्लास वाले बच्चों को उलझते हुए देखा है कि हमें ये चीज बताई नहीं गई है, हमें चीज पता ही नहीं है, और सही मायने में देखा जाए कि कौन सी क्लास की चीज है, सेकंड और थर्ड क्लास के अंदर ये चीज आती है, अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो ये होता है या नहीं होता। आगे देखते हैं,
आगे चलते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आपके सामने है कोसिकेंट थीटा, बेटा कोसिकेंट थीटा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी कि कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin होता है। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो कोसिकेंट जो है, आप क्या करेंगे, साइन वाली सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे आपके सामने है कि कोसिकेंट का मीनिंग क्या है, कोसिकेंट साइन का उल्टा, तो क्या होगा यहां पर, जीरो का उल्टा। चेक करें, अगर आपको कोसिकेंट जीरो डिग्री की वैल्यू निकालनी है, अगर आप यहां पर जीरो लिख दें तो साइन जीरो क्या है मेरा बेटा, आप चेक करें, जीरो, यानी कि उसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइन। आप सीधा लिखेंगे जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद सबको उल्टा करना है, जैसे कि साइन 1/2 है तो कोसिकेंट क्या है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। आपको अगर कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे यहां पर, 30 डिग्री लिखोगे। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, चेक कर सकते हैं, और ये चीज ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा, 2/1। वैसे सारा बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूं, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, इसको उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब आगे बात करेंगे हम सीकेंट की। तो सीकेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है। अगर आप लास्ट टाइम में जो चीज बताई गई, उसमें बताया गया पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जो हमारे पास कोस है वो 1/sec होता था, सीकेंट 1/cos होता था। तो क्या लिखा जाएगा, अगर आपको सीकेंट जीरो की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे यहां पर, वैल्यू लिख दोगे, कॉस जीरो क्या होगा, क्या होगा, कॉस जीरो 1, तो क्या हो गया 1। आप देख सकते हैं जो सीकेंट है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल 1। इस तरह मैं एक चीज और लिख देता हूं, अगर आपको सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री यहां पर पुट करूंगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2 है, तो इसका मैं रेसिप्रोकल डिवाइड में है मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो आप यहां से पता लगा सकते हो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 0 का रेसिप्रोकल, जैसे कि आपको बताया गया, अगर आप सीकेंट 90 डिग्री की वैल्यू लिख देते हो, यहां पर 90 लिखते हो, यहां 90 लिखते हो, तो cos 90 डिग्री क्या होता है, चेक कर सकते हो, cos 90 डिग्री 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। आपको लिखना सिर्फ इसको देख के, जो कोसिकेंट है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, और जो सीकेंट है वो कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल, सॉरी 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, उल्टा 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। अब चलते हैं हम आगे, सीकेंट से हम कहां पहुंचेंगे, कॉट, कॉट की तरफ निकलेंगे। कॉट क्या होता है मेरा बेटा, ये बताया गया है, कॉट शायद आपको पता हो, याद हो, कॉट क्या होता है, 1/tangent होता है, 1/tangent, tangent का रेसिप्रोकल होता है। अगर आप कॉट 0 डिग्री की वैल्यू लिखते हो, यहां पर 0 लिखते हो, तो यहां tangent 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
और अगर यहां पर आप जीरो लिख देते हो, वन बाय जीरो क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड। तो इससे क्या क्लियर होता है, जो कोण होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, उल्टा, जीरो बाय वन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या, वन बाय जीरो, और वन बाय जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल रूट थ्री बाय वन, इसका रेसिप्रोकल वन का उल्टा वन, रूट थ्री का रेसिप्रोकल उल्टा वन बाय रूट थ्री, रूट थ्री बाय वन है उसको क्या लिखेंगे, वन बाय रूट थ्री। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लॉजिकल तरीके से समझाई है। एक चीज और ध्यान रखनी है, एक बार मैं दोबारा थोड़ी सी चीजें रिपीट कर रहा हूं, कुछ लॉजिकल चीजें हैं इसके अंदर, दो चार मिनट का की बात और है इसके अंदर, कि साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है। एक बार के लिए मैं जो मैंने चीज पिछले टाइम बताई थी मैं एक बार के लिए सारी लिख रहा हूं थोड़ी सी। क्या आपके सामने ये था साइन कॉस टेंजेंट और कोसिकेंट सीकेंट कॉट। तो जैसे कि आपको पता था कि साइन वन बाय कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट वन बाय साइन होता है, कोस वन बाय सीकेंट होता है, सीकेंट वन बाय कोस होता है, टेंजेंट वन बाय कॉट होता है और कॉट वन बाय टेंजेंट होता है। तो इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, आप बात को समझे, कि जो साइन है वो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होगा, कोस सीकेंट का रेसिप्रोकल होगा, टेंजेंट कॉट का होगा। रेसिप्रोकल तो होती है, आप बात को समझो। एक चीज नजर आ रही है इसके अंदर, आपने देखना है, कैच करो बात को। जो सीकेंट है वो क्या है, कोस का रेसिप्रोकल है, ठीक है, बट कोसिकेंट का रिवर्स है। चेक करो, कोसिकेंट का रिवर्स है। रिवर्स कैसे चेक करो, वन टू बाय रूट थ्री, ये बीच में, ये इधर, ये इधर। सही मायनों में सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल तो है, उसके अलावा जो सीकेंट है वो कोसिकेंट का रिवर्स भी है। चेक करिए, उसके बाद जो कोट है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल तो है ही, बट क्या है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। देखो रूट, सॉरी इनफाइनाइट, रूट थ्री वन, वन बाय रूट थ्री जीरो, क्या है, रिवर्स भी है और रेसिप्रोकल भी है। टेंजेंट कोट का रेसिप्रोकल उल्टा तो होता ही है, उसके बाद रिवर्स भी है। रिपीट कर रहा हूं, कोसिकेंट जो है वो सीकेंट का क्या है, वैसे जो सीकेंट है वो कोस का क्या है, हमारे पास रेसिप्रोकल है, पर जो सीकेंट है वो कोसिकेंट का रिवर्स भी है, पीछे से स्टार्ट हो रहा है, और जो कोट है वो टेंजेंट का क्या है, रेसिप्रोकल है बट वो रिवर्स भी है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, हर एक चीज को लॉजिकली करो। अब तक हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, आगे मैं कंपटीशन लेवल को 1x1 बढ़ाऊंगा, ठीक है जी, थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप, जहां से मैंने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर छोड़ा था वहीं से ही स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। तो जैसे कि आपको बताया गया था बेटा कि साइन कॉस टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कोण, ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, सोना मतलब एस, चांदी मतलब सी, टी मतलब तोले, ये बात मैंने आपको कंटिन्यूस लेक्चर के अंदर बताई है। आज हम प्रोसेसिंग में चलेंगे, ये सिक्स फार्मूलास की बात की जाएगी। मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूं, जो अब तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आपको दिया है, उसमें मैं सबसे पहले बेस क्या रख रहा हूं,
टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद हम चलेंगे प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एसएससी, सीजीएल और आईआईटी एग्जाम्स। वैसे छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री आता है, पर जो स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आईआईटी मेंस एंड एडवांस एंड टेंथ क्लास के लिए, प्लस एसएससी सीजीएल। और भी एग्जाम होते हैं जिनके अंदर यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम ये इन सिक्स फॉर्मूलाज पर काम करेंगे, जो सिक्स फॉर्मूलाज टेंथ क्लास के अंदर होते हैं। टेंथ क्लास के बाद मैंने लिखा सारा फॉर्मेट प्लस वन का भी है, पर बात करेंगे हम सिर्फ सिक्स, ये सिक्स फॉर्मूले जो टेंथ क्लास के हैं। क्या, सुनिए, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक होता है सेकंड क्वाड्रेंट, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट, एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर सारे के सारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट होते हैं, छह के छह वो पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स आर पॉजिटिव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है, 0 से 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ 0 और 90 डिग्री के बीच वाले एंगल्स पे। कहने का मतलब अगर आप थीटा की जगह 1 डिग्री लिख दो फॉर एग्जांपल, तो कितना आ जाएगा, 90 - 1 = 89। इसका मीनिंग वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो सबसे पहले हम काम कर रहे हैं सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात। तो इसमें जो फॉर्मूला फर्स्ट है उसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पॉजिटिव इन द सेंस मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन में। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा सेकेंट थीटा, secant 90 degree minus theta cosecant theta। अब इनको बनाया कैसे जाता है, लगभग स्टूडेंट्स को, लगभग स्टूडेंट्स 95 से 98% स्टूडेंट्स क्रैमिंग का सहारा लेते हैं। क्रैमिंग नहीं करनी है, क्रैमिंग आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर को बर्बाद, खराब कर सकती है। ऐसा नहीं करना आपको, ध्यान रखना है। तो मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, पहले मेकिंग फॉर्मूला नंबर वन, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। ये कैसे बना, कैसे बनता है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, दूसरा थीटा लेंगे, तीसरा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। वी नो दैट वेरी वेल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 90 प्लस 90 180, माइनस थीटा प्लस थीटा 0। अब इस पे काम करना है, तो सबसे पहले आप एक्यूट एंगल लोगे। एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी बचे हुए दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो पहले मैं ये वाला एंगल ले लेता हूं मेरा बेटा, एंगल सी को मैं थीटा ले लेता हूं। अगर मैं बेस बाय हाइपोटेनियस करता हूं, बेस बाय हाइपोटेनियस, जो एक्यूट एंगल लिया जाता है ना बेटा, वो हमेशा बेस होता है, और ये क्या हो जाएगा, एसी हाइपोटेनियस। और बेस बाय हाइपोटेनियस होता क्या है, बेस बेस बाय हाइपोटेनियस, जैसे कि आपको लास्ट टाइम मैंने बताया क्या होगा, कोस का कोस आ जाएगा, क्या रह जाएगा, थीटा का थीटा आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, taking acute angle, angle A is equal 90 degree minus theta. अगर angle 90 degree minus theta जो लेंगे, तो इसका मतलब जो angle लिया गया है वो होगा base, ये होगा perpendicular, ये होगा hypotenuse। तो मैं आपकी बार क्या लिख दूंगा, मुझे हमने last time में क्या किया, BC by AC लिखा ना, आपको ये ध्यान रखना अगली बार भी BC by AC लिख देना है, क्योंकि अगर हम एक साइड इक्वल बनाएंगे तो दूसरी साइड भी
इक्वल अपने आप ही आ जाएगी। क्या होगा, क्या लिखा गया, बीसी। अब यहां पर बीसी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। क्यों है, बात को समझे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने एक्यूट एंगल ये लिया है तो बेस ये है, तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और एसी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, इसलिए क्या लिखा गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। बट हमने थीटा कौन सा लेना है, एंगल कौन सा लेना है, ये लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमने एक्यूट एंगल ये लिया है, तो इसीलिए वो बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था। अबकी बार हमारे पास जो एंगल होगा वो आएगा साइन 90° माइनस थीटा। इसको मैंने इक्वेशन को नाम दे दिया सेकंड, इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। अब आप देख सकते हैं मेरा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब मेरे पास लेफ्ट साइड कोई एक साइड बीसी बाय एसी आ रही है, तो उसकी बाकी बची हुई साइड क्या होगी, इसका मीनिंग ये वाली साइड्स क्या होंगी, इक्वल। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेरा बेटा मेकिंग फॉर्मूला नंबर टू। अब मैं फॉर्मूला नंबर टू की बात करता हूं, तो फॉर्मूला नंबर टू क्या होगा मेरा बेटा, ये बनाना है, इसलिए मैंने इसको ये लिखा है। अब की बार मैं टेकिंग एक्यूट एंगल, दोबारा से वही चीज सी लेके चलता हूं, थीटा लेके चलता हूं, और मैं क्या करता हूं, मेरा टारगेट क्या है, आपने बात को समझना है कि कॉस 90° माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप मान के चलो कॉस और साइन का रिलेशन है, तो साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारे पास, अगर आपने एंगल ये लिया है, इसका मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी, ये होगा। तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज सही मायनों में होता क्या है, क्या होता है, साइन थीटा। अब चलेंगे टेकिंग एक्यूट एंगल, क्या लेके चलेंगे, ये एंगल ले लेंगे, एंगल ए 90° माइनस थीटा लिखा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिल्कुल आपने बिना सोचे समझे आपने ए बी बाई ए सी लिख देना है, मतलब यहां पर है, पर कुल मिला के जब एंगल आपने क्या दिया, एंगल अगर आपने ये लिया है, इसका मतलब बेस ये है, परपेंडिकुलर ये। बट यहां पर अगर मैं ए बी लिख देता हूं, तो ए बी क्या नजर आ रहा है, अगर आपने एंगल ये लिया है, तो इसका मतलब ए बी क्या है, बेस है, तो इसका मतलब बेस होगा। और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी याद है, इसका मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या कहलाएगा बेटा, कोस, तो कोस का कोस लिख दिया। और एंगल आप क्या लेके चल रहे हो, 90° माइनस थीटा। इसका मतलब आप यहां से देखिए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में AB बाय AC दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दो चीज क्या आ जाएंगी, आपकी इक्वल आ जाएंगी, इससे आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर थर्ड फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हमने अभी तक देखा कि फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला कैसे बनता है। अब हम करेंगे फॉर्मूला नंबर थर्ड एंड फोर्थ। फॉर्मूला नंबर थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा मेरा बेटा, टेंजेंट 90° माइनस थीटा को हमने कॉट थीटा प्रूव करते हैं। ट्रायंगल्स वही बना हुआ है, हमने फॉर्मूला नंबर थर्ड बनाना है। फॉर्मूला नंबर थर्ड का मीनिंग टेंजेंट 90° माइनस थीटा कॉट थीटा बनाएंगे। तो एक्यूट एंगल क्या लेंगे मेरा बेटा, taking acute angle, angle C is equal theta।
बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, अगर आपने एंगल ये लिया है एक्यूट एंगल, तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, जैसे मैंने बताया। तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता क्या है बेटा? बेस बेस बाय में, बेस बाय में परपेंडिकुलर, पर बेस बाय परपेंडिकुलर कोट होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट होता है। तो क्या लिखा जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर कोट लिखा जाएगा। और थीटा क्यों लिखना है? क्योंकि हमने एक्यूट एंगल थीटा लिया। अगर हम टेकिंग एक्यूट एंगल कौन सा लेके चलेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमारे पास क्या होगा? हमने ये का ये सेम टू सेम लिख देना BC by AB, बट क्या है, अगर ये एंगल ये लेके चले हैं तो अब की बार बेस इधर वाला होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा। BC by AB हमने लिख लिया, तो इसके हिसाब से BC क्या होना चाहिए? अगर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा ये लेके चलते हैं तो बेस ये, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और ये BC क्या? बेस। BC by AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। तो एंगल क्या लेके चलेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा। जब हमारे पास दो साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नजर आ रही है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। अब मैं फॉर्मूला नंबर क्या पढ़ाता हूं बेटा? मैं पढ़ाता हूं फॉर्मूला नंबर 4, इसी को ही लेके चलता हूं। क्या लिखता हूं? मेकिंग फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टेंजेंट थीटा। तो क्या लेके चलूंगा? टेकिंग एक्यूट एंगल क्या लेके चलेंगे? एंगल C इज इक्वल थीटा। क्या लिया जाएगा? अगर मैं, मुझे क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा अगर मैंने एंगल ये लिया? अगर मैं एंगल ये लेके चलना, इसका मतलब बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? ए बी लिखूंगा। और बेस क्या लिखूंगा? बी सी लिखूंगा। तो मेरे पास परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा क्या? टेंजेंट। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा? टेंजेंट होगा। और एंगल कौन सा लेके चल रहा हूं मैं? थीटा। तो मेरे पास ये क्या चीज आ जाएगी? थीटा। अब मैं क्या करूंगा? एक्यूट एंगल कौन सा ले लूंगा बेटा? ये ले लूंगा। ये लेके चलूंगा तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। तो क्या होगा? टेकिंग एक्यूट एंगल, एंगल ए इज इक्वल 90 डिग्री माइनस थीटा। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें क्या होगा? मुझे क्या बनाना है? कोट। कोट बनाना है। तो कोट क्या, कोट का मतलब क्या होता है? कोट का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल ये लेके चल रहा हूं तो बेस क्या होगा मेरे पास? ये। इसका मतलब मैं यहां क्या लिखूंगा? बेस की जगह पर AB और परपेंडिकुलर की जगह पर BC। और क्या लिखूंगा यहां पर? बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट। पर एंगल की जगह क्या लिखूंगा? ये, क्योंकि मैंने एक्यूट एंगल लिया कौन सा था? 90 डिग्री माइनस थीटा। और आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देख सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड सेम है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? सेम आ जाएगा। मीनिंग क्या लिख सकता हूं मैं? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टेंजेंट थीटा। इससे मेरे पास फॉर्मूला नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, आगे हम करेंगे इन दो फॉर्मूलास। हाँ जी बच्चों, अब तक हमने चार फॉर्मूला से कर लिए हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल सेकेंट थीटा, और फिर सेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल कोसेकेंट थीटा। सीरीज वही प्रोसेस। मैं ये नहीं कहता कि जो चीज मैं करवा रहा हूं बाकी नहीं करवाते होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि क्रैमिंग नहीं करनी है अगर बड़ा टारगेट पूरा करना है, कुछ हासिल करना है।
सबसे बड़ा टारगेट लाइफ में क्या होता है, टीचर बनने के लिए कोटा जाके लाखों का पैकेज होता है। तो बच्चों ये समझो, लाखों का पैकेज किसको मिलता होगा, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, जिसके पास कुछ नया होगा, जो क्रैम नहीं करवाता होगा, क्रैमिंग नहीं करवाता होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं आज इन दो फार्मूला से। जैसे कि सामने आपके पास फार्मूला ट्रायंगल वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, सब कुछ वही है, अब तक सब कुछ समझ आ गया होगा, आई होप सो। नहीं समझ आया तो आप क्या कहते हैं उसे, चैनल पे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, आपकी कमियों को दूर किया जाएगा, ठीक है। आगे जैसे कि आपके सामने है, देखिए बेटा, टेकिंग एक्यूट एंगल, एंगल सी इज इक्वल थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है मेरा बेटा, सीकेंट थीटा और सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सीकेंट थीटा होता क्या है मेरा बेटा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। अगर मैंने एंगल ये ले लिया है तो ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, बेस क्या है बी सी, और वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस क्या होगा, सीकेंट, नीचे से ऊपर जा रहे हैं सीकेंट। अब मेरी क्या टारगेट है मेरा, अगर मैं एंगल एक्यूट एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा लेता हूं तो क्या होगा, वैसे का वैसे लिखना मुझे एसी बाय बीसी, एसी बाय बीसी। अगर मैंने एंगल ये लिया है तो मेरे पास एसी तो हाइपोटेन्यूस ही है, बट क्या है बीसी, क्या है बीसी, मेरे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर लिखा। और हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर होता है कोसेकेंट, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, कोसेकेंट। तो क्या लिखूंगा, कोसेकेंट, पर एंगल क्या लिखूंगा, क्योंकि मैं एंगल कौन सा लेके चल रहा हूं, 90 डिग्री माइनस, इसलिए मैं यहां पर एंगल लिखूंगा 90 डिग्री माइनस। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दो चीजें सेम है, एसी बाय बीसी, एसी बाय बीसी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगी तो राइट हैंड साइड भी सेम आएगी ये दोनों, इसलिए ये बन गया। इससे हमारा फॉर्मूला नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं आगे मेकिंग फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 है मेरा बेटा ये, सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल कोसेकेंट थीटा। ये फॉर्मूला बनाना है, टेकिंग एक्यूट एंगल कौन सा लेके चलेंगे, एंगल सी इज इक्वल थीटा। जैसे कि आपको पता है कोसेकेंट बनाना है, कोसेकेंट होता क्या है, कोसेकेंट होता है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो इसका मीनिंग अगर आपने एंगल ये लिया है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा या हाइपोटेन्यूस होगा, तो इसका मीनिंग हाइपोटेन्यूस लिखा जाएगा एसी। परपेंडिकुलर क्या लिखा जाएगा, ये परपेंडिकुलर क्यों होगा, आगे मैंने काफी बार बताया आपको, अगर एंगल ये लेके चल रहे हैं तो ये बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा हमारा, ए बी कहलाएगा। तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोसेकेंट, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर कोसेकेंट, कोसेकेंट हो गया। अगर आप टेकिंग एक्यूट एंगल लेके चलते हो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लेके चलोगे तो बेस होगा ये, परपेंडिकुलर होगा ये, हाइपोटेन्यूस होगा ये। तो क्या लेंगे, की बात हमें चाहिए क्या, एसी बाय एबी। बस आप ये याद रखा करो, अगर आपने यहां से स्टार्ट किया तो एसी बाय एबी आने है, तो एक बार एसी बाय एबी यहां लिख दिया करो, एसी बाय एबी। बट सही मायनों में अगर आपने एंगल ये वाला लेके चल रहे हो तो बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, इसका मतलब एसी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, और एबी क्या होगा, अगर एंगल ये लेके चल रहे हो तो बेस ये होगा, इसका मतलब यहां पर क्या लिखोगे, बेस। तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस क्या कहलाएगा, hypotenuse by base, hypotenuse h by b or secant, secant लिख देंगे। angle कौन सा लिखेंगे, जो हमने angle लिया,
अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से चेक करेंगे कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों की, तो राइट हैंड साइड सेम आएगी। इससे हमारे पास इन दोनों को इक्वल रख के हमारे पास फॉर्मूला बन गया बेटा ये। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अब तक जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लगाया है आपका वो सिर्फ टेंथ तक था, सिर्फ टेंथ के फॉर्मूले आते हैं और टेंथ से आगे थोड़ा सा एडवांस चले प्लस वन। और अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनको सिर्फ अपना एक फोकस नजर आता है। थोड़े टाइम के अंदर ही मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मोटिवेशनल, वो जो पेरेंट्स के लिए भी देखने लायक होगा और बच्चों के लिए भी स्टडी के ऊपर भी फुलफिल करेगा हर एक चीज। तो वो जल्दी कोशिश चल रही है, अकेडमी का एक अलग से चैनल होगा जिससे आपको पता चलेगा जो बच्चे सिर्फ फोकस करते हैं स्टडी पे उनको कुछ और नजर नहीं आता, अपने सिर्फ पेरेंट्स नजर आते हैं और अपना एक कैरियर नजर आता और कुछ नजर नहीं आता, उनके लिए बनाया जाएगा। तो ये चीज जो हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्री में करी है, अब तक बताई गई है, वो 10th क्लास तक काम आती है, जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित है। आगे हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी चार नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोण पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब साइन और कोसेकेंट का आपस में रिलेशन है पॉजिटिव, इसलिए इसमें ये पॉजिटिव होंगे। टेंजेंट और कोण का रिलेशन है तो इसमें ये पॉजिटिव होंगे। आगे क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकेंट पॉजिटिव होंगे क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है, बाकी चार क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट्स को याद करने का तरीका क्या है, इसको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स को लिखेंगे ए को एड, एस को क्या लिखेंगे, साइन से एस क्या लिखेंगे, एस का मीनिंग शुगर, टी का मतलब टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, एड शुगर टू कॉफी, सी का मतलब कॉस का मतलब कॉफी, या ऐसा कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, ए का मतलब आफ्टर, एस का मतलब स्कूल, टी का मतलब टू और सी का मतलब कॉलेज। या तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर क्या कर सकते हो, एड शुगर टू कॉफी। देखो बच्चों, ये जो पूरा क्वाड्रेंट है ये तो प्लस वन में काम आएंगे क्वाड्रेंट, टेंथ क्लास तक की हमने चीज कर ली है, बट आपको एक बात समझना है, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है दिमाग में सेट कर लो, बिठा लो कि जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, जो आईआईटी आगे करना चाहते हैं, जो एनडीए करना चाहते हैं, जो जीडी आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग में ये बात सेट कर लो और जिसको ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है वो आगे काफी अच्छा टारगेट अचीव कर सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।